हेलो दोस्तों, गेट्स नेशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट मैपिंग। तो हमने डायरेक्ट मैपिंग का पूरा कॉन्सेप्ट जो है हमने डिस्कस किया, उसके बाद हमने उसके ऊपर गेट क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस किए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि इस मेथड की एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो सबसे पहले एडवांटेज की अगर हम बात करें तो मेथड जो है बहुत ही सिंपल है और सर्च करना यहाँ पे क्या है आसान है। सर्च करने का मतलब क्या है, अगर हम सर्चिंग प्रोसेस की बात करें तो वो इजी कैसे है। लेट्स से कि जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो कैश है वो डिवाइड करते हैं हम लाइंस में, और हमारे पास क्या होता है टैग। तो टैग में जो भी बिट्स हैं वो बेसिकली बताती है कि कौन सा ब्लॉक नंबर यहां पे पड़ा हुआ है। मतलब एट प्रेजेंट टैग के अंदर मल्टीपल ब्लॉक्स जो है वो आ सकते हैं, लेकिन जो मल्टीपल ब्लॉक्स में से कौन सा ब्लॉक नंबर एट प्रेजेंट है वो कौन बताएगा, टैग। तो यहां पे लेट्स से कि सीपीयू ने अगर कोई एड्रेस जनरेट किया और उस एड्रेस में मेरे पास क्या होता है टैग, लाइन नंबर और ऑफसेट, दैट इज ब्लॉक ऑफसेट। तो यहां पे अगर हम बात करें लाइन नंबर, तो लाइन नंबर से मेरे को पता लग जाएगा लाइन नंबर में जो भी बिट होगी, लेट्स से 01 01 10 कुछ भी वैल्यू है, लेट्स से लाइन नंबर 01। यहां पे लाइन नंबर 01 का मतलब है कि डायरेक्ट मैपिंग में मुझे पता है कि वो वाला ब्लॉक मुझे 01 लाइन में ही मिलेगा। मतलब हमने क्या किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है कि ये वाला ब्लॉक इस पर्टिकुलर लाइन में ही जाएगा, जब भी जाएगा इस लाइन में ही जाएगा। तो यहां पे मेरे को हरेक लाइन में सर्च करने की जरूरत नहीं है, हरेक लाइन के टैग को आपको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा लाइन नंबर पे जाओ, जो भी लाइन नंबर में बिट दी हुई है उस लाइन नंबर पे आप जाके उस लाइन नंबर पे जो भी टैग है उस टैग बिट को आप निकाल लो और उस टैग बिट को आप इस टैग बिट के साथ क्या करो, कंपेयर करो। इससे होगा क्या, जब ये वाली टैग बिट और ये वाली टैग बिट अगर मैच करती है, मतलब 01 और यहां पे भी 01, तो इसको बोलते हैं हम कैश हिट। मतलब जिस ब्लॉक को या जिस वर्ड ऑफ ब्लॉक्स को आप ढूंढ रहे हो वो आपका इस टाइम पे कैश में पड़ा है। लेकिन अगर ये वाली बिट है 01 और ये वाली टैग की बिट्स है 10 तो आपस में मैच नहीं कर रही, तो इसका मतलब है कैश मिस। और कैश मिस का मतलब है कि रैम से आपको उस ब्लॉक को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है वो अगर हम बात करें किसी और मेथड से, फुली एसोसिएटिव या सेट एसोसिएटिव में, तो उसके कंपैरेटिवली यहां पे ये मेथड इजी है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है, फास्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको एक कंपेरिजन में पता लग जाएगा कि क्या कैश हिट हुआ या कैश मिस हुआ। तो आपको हरेक टैग को सर्च करने की जरूरत नहीं है, आप उस पर्टिकुलर लाइन नंबर में जा के ही डेटा को सर्च कर लो, टैग को सर्च कर लो और उस टैग को कंपेयर कर लो अपने गिवन एड्रेस के साथ, क्या वो मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा। तो ये होगी यहां पे एडवांटेज, मतलब हमारा जो सर्चिंग टाइम है वो कम होगा, तो आपकी सर्चिंग कह सकते हो फास्टर है। लेकिन ये जो हम फिक्स कर रहे हैं कि एक ब्लॉक जो है वो इसी लाइन में जाएगा या ये वाला ब्लॉक इसी लाइन में जाएगा, ये प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करता है, लेट्स सी प्रॉब्लम यहां पे क्या आ सकती है। लेट्स से कि मेरे पास लाइन नंबर 0, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, चार लाइंस हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस लेट्स सपोज 4 है। अब ब्लॉक नंबर की बात करें, लेट्स से सीपीयू एड्रेस जनरेट कर रहा है और उस एड्रेस में जो पर्टिकुलर ब्लॉक्स आ रहे हैं उनकी नंबरिंग है, लेट्स से ब्लॉक नंबर 1, ब्लॉक नंबर 5, ब्लॉक नंबर लेट्स से 9, ब्लॉक नंबर लेट्स से 13, कुछ भी। लेट्स से कि हमारे पास ब्लॉक नंबर 1 आया। अब ब्लॉक नंबर 1 सीपीयू को वर्ड चाहिए और वो वर्ड कहां पे है, ब्लॉक नंबर 1 में। तो हमने क्या करना है, ब्लॉक नंबर 1 सीपीयू ने पहले सर्च करना है कहां पे, कैश के अंदर, क्योंकि फास्टर है। तो कैश में उसने कहां पे जाना है, लाइन नंबर 1 में। उसका रीजन क्या है कि यहां पे हम कौन सा मेथड फॉलो करते हैं, के मॉड एन। अगर आपको ये मेथड नहीं पता तो मैंने डायरेक्ट मैपिंग की जो वीडियो है उसका लिंक नीचे दिया हुआ है, आप उस वीडियो को अच्छे से चेक कर लो, वहां पे मैंने सारे पॉइंट्स को पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। तो के मॉड एन हम फॉर्मूला यूज करते हैं, तो के मॉड एन में के वैल्यू क्या है, ब्लॉक नंबर। तो लेट्स सपोज ब्लॉक नंबर है मेरा 1 और एन क्या है, नंबर ऑफ लाइंस। तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, 4। तो यानी 1 मोड 4 क्या आएगा, 1। तो यानी ब्लॉक नंबर 1 आपका कहां पे जाएगा, इस लाइन नंबर 1 में जाएगा, जिसको आप बोल सकते हो एक तरह से मिस हुआ। क्यों, क्योंकि आप जिस ब्लॉक को ढूंढ रहे हो वो ब्लॉक यहां पे नहीं है, तो क्योंकि स्टार्टिंग में कैश खाली है तो आपको ये ब्लॉक आप ले आए यहां पे, तो इसको ब्लॉक आपने किसको दे दिया, सीपी को दे दिया।
लेट्स से कि ब्लॉक नंबर आया नेक्स्ट 5, अगली टर्न किसकी आई, ब्लॉक नंबर 5, मतलब सीपीयू अब ढूंढ रहा है ब्लॉक नंबर 5 को या ब्लॉक नंबर 5 के अंदर कोई भी पर्टिकुलर वर्ड को, तो यानी मेरे को ब्लॉक नंबर 5 को ही सर्च करना है। अब सीपीयू कैसे सर्च करेगा, 5 mod 4, तो 5 mod 4 का मतलब क्या है, 1। तो जैसे ही मैं 1 लोकेशन पे गया तो 1 लोकेशन में ऑलरेडी कौन सा ब्लॉक है, B1, तो यानी ये भी क्या हुआ, मिस। तो मिस होते ही हम क्या करेंगे, ब्लॉक नंबर 5 को, B5 मैं यहां पे लिख रहा हूं, मतलब ब्लॉक 5 को हम यहां पे ले आए, तो ब्लॉक 5 हमने सीपीयू को दे दिया। अब लेट से थर्ड ब्लॉक आया 9 mod 4, 9 mod 4 अगर आप करोगे तो बेसिकली आंसर अगेन क्या आएगा, 1, मतलब लाइन नंबर 1। तो लाइन नंबर 1 में यहां पे क्या पड़ा है मेरे पास, लाइन नंबर 1 में B5 पड़ा है, लेकिन सीपीयू को कौन सा वर्ड चाहिए या कौन सा ब्लॉक चाहिए, 9th, तो यानी आपको इसको रिप्लेस करके B9 को यहां पे लेके आना पड़ेगा। ये यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है, देखो सिंपल सा फंडा है, अगर B1 मैं यहां पे डालता, स्टार्टिंग में मैंने यहां पे डाला, B5 ये खाली थी जगह, ये भी खाली थी, ये भी खाली थी, लेकिन अगर मैं यहां पे डालता हूं तो डायरेक्ट मैपिंग अलाउ नहीं करती, क्योंकि डायरेक्ट मैपिंग बोलती है कि K mod N, फिक्स्ड है कि आपको B5 जो है वो यहीं पे डालना पड़ेगा। लेकिन सपोज करो अगर मैं B5 को यहां डाल देता, B9 को मैं यहां डाल दूं, लेट सपोज B9 को मैं यहां डाल दूं, B5 को लेट्स सपोज मैंने यहां पे डाल दिया, B9 को यहां पे डाल दिया, लेट से अगला नंबर आया 1, मतलब नेक्स्ट जो है वो ब्लॉक नंबर 1 की दोबारा कॉल हुई, 13 की जगह हम ब्लॉक नंबर 1 ले लेते हैं, ब्लॉक नंबर 1 की दोबारा कॉल हुई, तो जैसे ब्लॉक नंबर 1 की दोबारा कॉल होगी तो कहां पे ढूंढेंगे हम, लाइन नंबर 1 में, और लाइन नंबर 1 में वो है नहीं, तो यानी आपको अगेन लाइन नंबर 1 में उस ब्लॉक को लेके आना पड़ेगा, मतलब अगेन आपका क्या हुआ, मिस। लेकिन अगर आप ब्लॉक नंबर 5 को यहां डाल देते और ब्लॉक नंबर 9 जब आया था उसको यहां डाल देते तो आपका B1 रिप्लेस करना ही नहीं पड़ता, और अगर B1 रिप्लेस नहीं करना पड़ता तो नेक्स्ट टाइम जब B1 की टर्न आती तो ये क्या होता, हिट होता, ना कि मिस होता। लेकिन हम वर्स्ट केस यहां पे लेके चल रहे हैं, तो वर्स्ट केस का मतलब क्या है कि ऑल्दो हमारे पास स्पेस अवेलेबल है, लेकिन हम इस मेथड की वजह से, ये जो डायरेक्ट मैपिंग का जो मेथड है उसकी वजह से हमें हर एक पर्टिकुलर ब्लॉक को एक फिक्स्ड लाइन नंबर में ही डालना पड़ रहा है, तो इसकी वजह से क्या है, जो खाली प्लेसेस हैं उनको हम फिल नहीं कर सकते, और इस वजह से हमारे पास जो नंबर ऑफ हिट्स हैं वो कम होते जाएंगे और नंबर ऑफ मिस जो है वो बढ़ते जाएंगे। तो टेक्निकली इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट मिस। तो कॉन्फ्लिक्ट मिस का फंडा क्या है कि ऑल्दो आपके पास स्पेस अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल था, ये भी अवेलेबल था, ये भी अवेलेबल था, लेकिन उसके बावजूद आपके क्या हो रहे हैं, मिस हो रहे हैं लगातार। तो वो मिस क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आपने फिक्स किया हुआ है कि B5, B9, B13, B17 जब भी आएगा वो इसी लाइन नंबर में आएगा, तो इस वजह से आपके मिस बढ़ते जा रहे हैं और आपके हिट क्या है, कम होते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप ये अलाउ कर दो कि ठीक है आप इसमें भी डाल सकते हो, अगर ये खाली है तो इसमें डाल दो, अगर ये खाली तो इसमें डाल दो, तो कहीं ना कहीं आपके हिट जो है वो बढ़ते जाएंगे, लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते। तो डायरेक्ट मैपिंग जो है वो क्या प्रॉब्लम फेस करती है, कॉन्फ्लिक्ट मिस। तो कॉन्फ्लिक्ट मिस का सिंपल सा फंडा है कि अगर आपके पास स्पेस अवेलेबल है उसके बावजूद आपके मिस होते जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारा मेथड क्या बोलता है कि आपको फिक्स लाइन नंबर है उसी लाइन में ही ब्लॉक को डालना है। तो ये बेसिकली एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है किसकी, डायरेक्ट मैपिंग की। तो ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, काफी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आई थिंक ये मोर देन इनफ है, आपको पता लग जाएगा कि एडवांटेज क्या, और स्पेशली डिसएडवांटेज पे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि डिसएडवांटेज जो है ये वाली हम रिमूव करेंगे नेक्स्ट मेथड में, और वो कौन सा है, फुली एसोसिएटिव मैपिंग। थैंक यू।